कि ए तो अगर मैं आपसे नॉर्मल एक सवाल पूछूं कि, से के बीच में टोटल फंक्शन तो के, के, तो के, के लिए चार ऑप्शन है तो टोटल फंक्शन फोर, फोर इंटू फोर इंटू फोर बनेंगे कि नहीं ये तो सबने कर ही लिया होगा बट आपको उसमें से वो फंक्शन चाहिए जिस मतलब वो फंक्शन चाहिए जिसमें से टू एक एलिमेंट हो ही और फंक्शन जो है वो वन वन ना हो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं मतलब एक एलिमेंट टू हो और फंक्शन जो है वो वन वन ना हो ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं बोलो अच्छा अब हम कर क्या रहे हैं वो देखिएगा बोलो हम क्या कर रहे हैं कि हमने टोटल फंक्शंस ले लिए अपने तो वो फोर की पावर थ्री हो गए बोलो हाँ या ना अच्छा उसमें से हम वो फंक्शन माइनस कर दे रहे हैं उसमें से हम वो फंक्शन माइनस कर दे रहे हैं जिसमें से हम टू को इंक्लूड ही नहीं कर रहे भाई हमें एक एलिमेंट तो इंक्लूड करना है ना? बोलो, हमें एक एलिमेंट तो टू इंक्लूड करना है तो टोटल फंक्शन हमने निकाल लिए बोलो उसमें से हम वो फंक्शन माइनस कर दे रहे हैं जिसमें चलो टू को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं सोचो बोलिए उसमें से हम वो फंक्शन माइनस कर दे रहे हैं जिसमें से हम टू को क्या कर रहे हैं एक्सक्लूड कर दे रहे हैं क्या ये है बात समझ में आ रही है तो बचे तो टोटल फंक्शन वन इंटू बाई टू हटाने का एक तरीका और थ्री इंटू हर एलिमेंट के पास अब तीन ऑप्शन बचे तो थ्री क्यूब वो फंक्शन हो गए जिसमें टू एक्सक्लूड कर दिया गया ये बात दिखी सबको अच्छा होगा क्या कि हमें वो फंक्शन भी नहीं चाहिए जो वन वन है हाँ ना और इस चक्कर में क्या हुआ कि वो फंक्शन तो अभी काउंट हो रहा है ना भाई टोटल में वो फंक्शन तो काउंट हो रहे ना जिसमें एक एलिमेंट टू होगा और वो फंक्शन वन वन होंगे बोलो तो हमने क्या किया एक एलिमेंट टू को ले लिया तो इन तीन में से किसी एक को टू एलिमेंट दे दिया बोलो बाकी बचे हुए दो एलिमेंट को हमने बाकी तीन के साथ वन वन में अरेंज कर दिया बोलो तो ये टोटल में से हमने ये दो चीजें माइनस कर दी तो बचे हुए जो फंक्शंस आ गए वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आ गए अब मेरी बात समझ में आई होगी जिनका डाउट था बोलो टोटल में से हमने दो चीजें माइनस की है पहला हमने वो माइनस किया जिसमें टू है ही नहीं क्योंकि तो, तो टू तो हमें लेना है बोलो दूसरा हमने वो माइनस किया कि वन वन फंक्शन माइनस किए जिसमें टू इंक्लूड हो गया क्योंकि टू अगर नहीं है तो तो हर हाँ टाइप का फंक्शन माइनस हो गया है बोलो बट टू इंक्लूड करते हुए फंक्शन अभी भी काउंट हो रहा है वो हमने माइनस कर दिए तो बचे आंसर आ गया सोच के जवाब दो <coughs> आप समझ में आया कि नहीं बताओ भाई लॉजिक क्लियर हुआ गुड yes, अगले अगले क्वेश्चन में क्या था कि थ्री क्रॉस थी एक मैट्रिक्स हमने मान ली जब आप ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं ये क्वेश्चन मैंने आपको पीएनसी के टाइम पे समझाया है जब आप ए और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट आते हैं ये वाला एलिमेंट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाला एलिमेंट आता है बी स्क्वायर प्लस सॉरी डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये वाला जो एलिमेंट है वो आता है ए, ये ए, ये वाला जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर क्या ये बात समझ में आई सबको बताऊँ तो जो डायगनल का सम आप करते हैं वो आता है प्लस 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 मतलब स्क्वायर का सम ध्यान बोलो अच्छा ए बी सी डी आई ये जो है या तो ये वन माइनस वन और जीरो में से कुछ भी हो सकता है हाँ या ना और ये सम हमें थ्री मेंटेन होना चाहिए तो ये सम थ्री मेंटेन कब होगा जब छह एलिमेंट जीरो हो जाए और तीन एलिमेंट वन 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 हो अब हमें बस वही तीन एलिमेंट वन 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 कैसे हो सकते हैं ये सोच लेना है मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं क्योंकि छह एलिमेंट तो हमें जीरो रखने रखने ही रखने हैं अब तीन एलिमेंट जीरो हो, तो हो जाए या दो सॉरी दो वन एक माइनस वन हो जाए या दो माइनस वन एक वन हो जाए या, या तीनों माइनस वन हो जाए तभी तो सम तीन मेंटेन होगा कि नहीं तीन एलिमेंट पे बोलो यस सर है कि नहीं अब बस इन्हीं को आपको वन बाय वन अरेंज कर देना है तो भाई obviously, nine place आपको अरेंज करने हैं। उसमें आपको तीन, one और यूज करने हैं। तो आपको करने हैं जिसमें दो वन एक माइनस वन और छह जीरो अरेंज करने हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं बताओ फिर आपको नाइन यही चीज यहाँ रिपीट कर देनी है यही चीज यहां रिपीट कर देनी है तो ये टू टाइम्स हो गया सबको मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं बताओ या ना बोलो अच्छा यहीं पे मैं आपसे पूछता मतलब यहीं पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता कि सम ऑफ डायगनल एलिमेंट अब आपको सोच के जवाब देना है डायगनल एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सपोज मैं ले लेता हूं फाइव डन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज फाइव और इफ एन ए इज थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ठीक है फॉर्म्ड बाई एलिमेंट्स जीरो वन टू बताओ जरा सोच समझ के जवाब देना जीरो वन टू एलिमेंट लेके है हाउ मैनी थ्री क्रॉस थ्री सच मैट्रिक्स हम्म या इसी में पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री क्रॉस थ्री सच मैट्रिक्स है कि नहीं जैसे इसी क्वेश्चन को मैं अगर प्रोबेबिलिटी में पूछता तो फाइंड प्रो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री क्रॉस थ्री सच मैट्रिक्स बताओ क्वेश्चन समझ गए ना सीधा प्योरली पीएनसी पे बेस है कि नहीं टोटल कितनी मैट्रिक्स बन सकती है पहला सवाल अगर मैं आपसे सोल्यूशन पूछूं तो टोटल आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो क्रॉस मैट्रिक्स को फिल करने के लिए टोटल कितने ऑप्शन आपके पास सोच के के जवाब देना जरा और हर एक ऑप्शन को फिल करने के लिए कितने थ्री 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 तो टोटल तो कितनी मैट्रिक्स बनेगी बताइए थ्री टू दी पावर नाइन बस अब हमें एन ई काउंट करना है इसके बाद आराम से पीई काउंट कर देंगे एनई बाई एन एस लगा के यही तो अब एनी काउंट करने के लिए आपको यही वाला सेम कॉन्सेप्ट सोचना है सोचिए जरा जल्दी से क्या कॉन्सेप्ट तो कितने कितने जीरो कितने टूज आपको जरूरत पड़ेंगे बस उसी के हिसाब से आप अरेंजमेंट लगा दो सोचिए दो मिनट का टाइम है जिनको जिनको था वो डाउट समझ में आया भाई अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को एज्यूम कर लेते ए बी सी डी एफ जी एच आई से तो ए इंटू ए ट्रांसपोज के डायगनल एलिमेंट का जो सम आ जाता वो यही आ जाता ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और यही सब हमें फाइव चाहिए तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो फाइव वंस हो जाए और चार जीरोस हो जाए पहली पॉसिबिलिटी या एक टूज हो जाए है कि नहीं और तो तो ये फोर बन गया एक वन हो जाए तो ये फाइव बन गया और बाकी कितने वन वन टू सेवन जीरो हो जाए और भाई जैसे Third, दो बार टू लोग नहीं, नहीं, अरे बेटा दो बार टू लोगे तो फोर प्लस फोर एट हो गया ना स्क्वायर अरे हाँ या ना दो बार टू लोगे yes, तो सम कम फाइव का एट तो ये डायरेक्ट बन जाएगा ना तो सिर्फ दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं मेरी बात समझे टू प्लस टू एड नहीं करना है ध्यान दीजिएगा आपको टू स्कौर, टू स्कौर करना है तो ये तो ये बड़ा हो गया ना सिर्फ दो ही केस बनेंगे पहले को को करने का तरीका क्या हुआ nine factorial by five factorial into four factorial. दूसरे फैक्टोरियल बस इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए मेरे हिसाब से एक, अगर किसी ने किया होगा तो addition क्या आ रहा है? 198 आ रही है नहीं ये सम कितना आ रहा है 198 आ yes, तो 198 आ आ रहा है है ये गया गया और आपका आंसर की पावर 9. अब एक अभी वैसे कैंसिल कैंसिल होगा इससे है ना वो सब कैंसिल करके आप आंसर तो लिख लेंगे वो बड़ा काम नहीं है। ये दो केस कैसे सोचेगा ये बात समझ में कितना आसान सवाल था बस हल्का सा पीएनसी तक गए और प्रोबेबिलिटी आपने उठा दिया तो ये पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी थी ना मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर टू इवेंट ए एंड बी तो अगर हम सेट थ्योरी के हिसाब से चले सही है ना तो आपको ये तो पता होता है कि पी ए सॉरी इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये बात समझ में आती है कि नहीं आपको बताओ अरे हाँ या ना ये बात सभी को समझ में आ रही है बोलो तो अगर मैं आपसे कहूं फॉर मिनिमम पी ए इंटरसेक्शन बी तो कंडीशन ये होगी कि जो पी ए यूनियन बी होगा वो वन हो जाए मतलब वो पूरा यूनिवर्सल सेट कवर कर ले तब यह वैल्यू सबसे मिनिमम होगी ध्यान रखिएगा ये बात मिनिमम के लिए ये वैल्यू वन हो जानी चाहिए इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी पी ए प्लस पी बी माइनस वन क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बताओ पी ए प्लस बी और उसी में से टोटल माइनस कर दें तो इसके कॉमन की सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी डन अच्छा अगर हम फॉर मैक्स पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए और बी में मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है जो मिनिमम हो किसका पी ए एंड पी बी का बोलो और ऐसा कब होगा yes, जब वन सैंपल स्पेस वन इवेंट स्पेस इज सबसेट ऑफ सेकेंड इवेंट स्पेस ये बात समझते हो कि नहीं बोलिए तब ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी या ना। तो ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या ये बात आप सभी को समझ आई तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो हमेशा पी ए प्लस पी बी माइनस वन से तो बड़ा होगा बोलो हाँ या ना। और हमेशा किस से छोटा होगा मिनिमम ऑफ पी एंड पी बी से छोटा होगा अच्छा बहुत हद में क्या हो सकता है कि पी ए प्लस पी बी का सम वन हो जाए मतलब ऐसा हो सकता है कि ए और बी ऐसे हो जाए मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ

क्लियर हो गया कि नहीं बताओ ये बात बोलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी सबको क्लियर हो गया कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ अब आप जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां आप ये कॉन्सेप्ट आराम से उठा के लगा दीजिएगा क्लियर हुआ कि नहीं बोलो अच्छा ये मिनिमम वैल्यू जीरो भी हो सकती है कब हो सकती है मैं समझ गया ना जब दोनों सैंपल स्पेस पूरा कवर कर ले यानी ए पी ए के बराबर हो जाए तब ये वैल्यू मिनिमम जीरो आ जाएगी अदरवाइज ये पी ए प्लस पीबी माइनस वन के ही बराबर होगी क्लियर हो रहा है कि नहीं हमें क्या करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब बताओ क्या आप आंसर आराम से दे देंगे बोलो मिनिमम का आंसर क्या होगा पी ए प्लस पीबी माइनस वन क्योंकि बड़ा आ रहा है ना और वन के बराबर नहीं आ रहा है तो थ्री बाई फोर प्लस फाइव बाई एट माइनस वन ये मिनिमम हो जाएगा बोलो अच्छा पी ए इंटरसेक्शन बी मैक्स क्या होता है बोलो मिनिमम होता है किसमें से एंड और में मिनिमम क्या है बी फाइव बाई एट हो गया दिखा कि नहीं तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है थ्री बाई एट से फाइव बाई एट के बीच में क्या ये लॉजिक सबको क्लियर हुआ कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताएगा बोलिए भाई क्या लॉजिक आपको क्लियर हुआ हाँ या ना यस yes, मतलब यहाँ सेम लॉजिक लगेगा बस बी की जगह दूसरा इवेंट क्या आ गया है बी डैश आ गया है तो बस यहाँ पर बी डैश यहाँ पर बी डैश आ जाएगा बस इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं तो मिनिमम का लॉजिक क्या हो गया पी ए प्लस पी बी डैश माइनस वन बोलो और यहां पर क्या आ जाएगा मिनिमम ऑफ पी एंड पी बी डैश क्या बोलते हो तुम लोग अरे हाँ या ना. तो पी ए क्या दिया हुआ है क्या हो जाएगा वन माइनस फाइव बाई एट एम आई करेक्ट और नॉट बोलो सर और माइनस वन तो क्या ये मिनिमम वैल्यू वन बाई एट आ रही है चेक करियो अरे हाँ yes, या ना बोलो हाँ और पी ए और पीबी डैश की अगरसेक्शन बी डैश है वो वन बाई एट से थ्री बाई एट के बीच में लाई करता है क्या ये लॉजिक आप सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो डन yes. तो ये वाला अगर कंबाइंड रीजन कर लो तो ये इवन यूनियन ई टू का होता है बोलो अच्छा ये वाला ये, ये वाला जो रीजन देखोगे ओनली होता है यानी ईवन में से ई टू माइनस कर दो या इवन इंटरसेक्शन ई टू बार समझ में आया ये वाला जो बीच का रीजन होता है इवन यूनियन ई टू होता है ये वाला जो रीजन होता है वो ओनली e2 होता है इसका मतलब e2 e1 या e1 इंटरसेक्शन e2 अच्छा ये वाला जो रीजन है जो इस सेट के बाहर होता है ये रीजन होता है e1 यूनियन e2 का डैश या इसी रीजन को हम बोलते हैं e1 डैश इंटरसेक्शन e2 डैश ये बात समझ में आ रही है बोलो हाँ या ना और ये टोटल सैंपल स्पेस में है तो जहां पर जिस भी रीजन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी उस रीजन की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट करके उसकी प्रोबेबिलिटी बना देंगे हाँ या ना ये हो गया ओनली इवन ऑकर्स ये हो गया ओनली e2 इवन ऑकर ये हो गया e1 एंड e2 बोथ ऑकर ये हो गया नाइदर इवन नॉर e2 ऑकर बोलो ये हो गया e1 ऑकर बट नॉट e2 ऑकर मतलब ओनली इवन ऑकर ये हो गया e1 और e2 ऑकर हाँ या ना और इसमें जो एक स्टेटमेंट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो यही हो रहा है पी ई वन यूनियन ई टू इक्वल टू पी ई वन प्लस पी ई टू माइनस पी ईवन इंटरसेक्शन ई टू अब इसी रिजल्ट से आप सारा कुछ एनालिसिस करते चले जाते हैं मेरी बात अब आपको समझ में आ रही होगी किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करेगा दो सेट से रिलेटेड चीजें आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलिए कोई डाउट बचा गुड समझ गए ना सब लोग दो सेट का इवेंट स्पेस अच्छा अब अगर हम यही काम यही काम सोचो तीन सेट में करते E1, E2, E3, तीन सेट हैं एक sample space के अंदर, सही है ना तो ये वाला पहला सेट हो गया इवन डन ये वाला दूसरा सेट हो गया ई टू ये वाला तीसरा सेट हो गया E3. थ्री तो अगर हमें E1, ई टू थ्री का कंबाइंड बात करूं तो याद है हमने कंबाइंड में एक रिजल्ट लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री तो इसका मतलब प्रॉबलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रॉबलिटी ऑफ ई टू प्लस प्रॉबलिटी ऑफ ई थ्री माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई थ्री माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री और प्लस प्रॉबलिटी ऑफ ई वन टू एंड ई थ्री देख लो ये तीन प्रॉबिटी सेट का स्टेटमेंट हमने लिखा था याद आया कि नहीं तो एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ऑकर का ये मतलब होता है सही है अब रीजन वाइज बात करो ये रीजन अगर मैं अब रीजन वाइज बात करूं तो ये रीजन ओनली ई वन का है मतलब ई वन है ई टू और ई थ्री नहीं है ये रीजन जो है ओनली ई टू का है मतलब ई टू है ई वन और ई थ्री नहीं है मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं ये वाला जो रीजन है सॉरी ये वाला जो रीजन है ओनली ई थ्री का है कि नहीं यानी कि वन और ई टू नहीं है मगर इ थ्री है अच्छा, कंबाइंड रीजन है यानी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन थ्री ये वाला रीजन टू एलिमेंट का है ई वन और ई थ्री है मगर ई टू नहीं है ये वाला रीजन भी टू एलिमेंट्स का है मतलब ई टू और ई थ्री है मगर ई नहीं है समझ रहे हो ये वाला रीजन ई e, वन और ई टू इवेंट हो रहे हैं बट ई नहीं हो रहा है और ये वाला रीजन क्या है ना इधर इवन नॉर ई टू नॉर ई बोलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इवेंट क्या है ना इधर इवन नॉर ई टू नॉर ई टोटल में से क्या माइनस कर दो एटलीस्ट वन ऑफ ई वन ई टू बोलो भाई क्या ये कहानी सभी को समझ में आई सेकंड वाले सेट की अरे हाँ या ना यस सर तो ये ये किसके लिए इवेंट स्पेस हो गया अगर आप दो सेट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप मतलब इवेंट स्पेस है वो उसमें हर बॉक्स का क्या मतलब है वो हो गया ये तीन सेट के लिए हर बॉक्स का क्या मतलब हो गया ये आपने इसकी बात की है कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताएंगे बोलिए डन हो गया मामला कि नहीं कोई कंफ्यूजन बोलो भाई अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात है चलो ये क्वेश्चन तो अभी हम दो एक मिनट बात करेंगे एक क्वेश्चन आईटी में पूछा गया था मैं उसका सॉरी मिन वैल्यू पूछू तो आपने निकाली थी कि नहीं बताओ बोलिए yes, क्या कैसे क्या निकाला था बताना जरा मैक्स वैल्यू ए यूनियन बी की क्या हो सकती है नहीं, नहीं, वैसे तो पी ए प्लस पी भी होती है नहीं अगर वो पी ए प्लस बी सैंपल स्पेस है तो वन भी हो जाती है याद आया अदरवाइज मिनिमम वैल्यू क्या होती है मैक्स ऑफ पी एंड बी सही है ना पी और और बी में जो बड़ा होता है वो आ जाता है मैक्सिमम में क्लियर है कि नहीं बताओ सही है अब देखो इसका मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ फिर यही काम हम जब तीन स्पेस में करेंगे ना तब की बात करते हैं जैसे अगर मैं दो सेट की बात करूं एक सेकेंड याद रुकना जरा फॉर टू इवेंट ए एंड बी ठीक है पी ए यूनियन बी ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए यूनियन बी मैक्स कब होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब पी ए यूनियन बी की मैक्स वैल्यू वैसे कितनी होगी पी ए प्लस पी बी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था याद आया कि नहीं और मतलब अगर ऐसा हो क्या हो कि मतलब ए यूनियन बी जो है वो सैंपल स्पेस बन जाए बोलो भाई तो हम कह सकते हैं कि मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो पी ए यूनियन बी की तब वो वन हो जाएगी ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ मुझे क्योंकि तब पी होगी तब भी पीए प्लस पीबी ध्यान रखिएगा होगी इसकी मैक्स वैल्यू तब भी पीए प्लस बट उस केस में पीए प्लस पीबी कितना बन जाएगा बताओ उस केस में यानी कि दोनों का कॉमन एलिमेंट जब हट जाएगा दोनों का कॉमन एलिमेंट हट जाएगा तभी इसकी मैक्स वैल्यू आएगी ये सेट थ्योरी से भी जस्टिफाई है. है कि नहीं बताओ हो सकता है कि यही पूरा सैंपल स्पेस कवर कर ले तो ये मैक्सिमम वन हो जाएगा अदरवाइज ये पी ए प्लस पीवी अभी भी ये पी ए प्लस पीवी ही है बोलो भाई तो ये तो ट्रू हो गया अच्छा इसकी मिन वैल्यू क्या होगी पी ए यूनियन बी की मिन वैल्यू कॉमन एलिमेंट है बोलो वो इन दोनों में से किसी एक के बराबर हो जाए अरे हाँ या ना मिन वैल्यू कब आएगी जब पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर हो जाए बताओ मिनिमम ऑफ पी ए एंड पी बी अरे बोलो भाई तभी तो ये मैक्स वैल्यू होगी याद आया कि नहीं तब तो हम ऐसा सेट ऑफ बॉक्स बनाएंगे yes. कोई एक सेट उसके अंदर चला जाए याद आ रहा था कि नहीं बताओ यानी कि इन ये जो वैल्यू है वो इन दोनों में से जो छोटा है उसके बराबर हो जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं तो सिर्फ एक वैल्यू बचेगी जो इनमें से मैक्सिमम होगी अरे हाँ या ना बोलो ये समझ में आया कि नहीं हाँ या ना तो मिन तो वैल्यू क्या होगी और मैक्स वैल्यू क्या होगी ये बात दोनों लॉजिक से आपको क्लियर हुई कि नहीं ये बताओ हाँ या ना करना है कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करनी है। तो वो है क्या पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ठीक माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए बोलो और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अच्छा हमें दिया हुआ है पी ए यूनियन बी तो उसके हिसाब से हम उसको लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट एट ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा जीरो पॉइंट टू आ जाएगा ये मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा क्या कहते हो तुम लोग अब इसी को हम आगे यूज करेंगे तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ उठा के रख दें तो जीरो सिक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट थ्री माइनस बीटा प्लस जीरो पॉइंट टू बोलो जीरो पॉइंट टू से जीरो पॉइंट टू कैंसिल हो गया और ये आ गया सिक्स फोर टेन 1.5 और माइनस तो ये शायद 1.2 माइनस बीटा आ गया चेक करियो यस रिया यार 1.2 माइनस बीटा हाँ अब आपको दिया हुआ है कि जो पी ए यूनियन बी यूनियन सी है वो लाई कर रहा है 0.85 से कहाँ तक 0.95 के बीच में इसका मतलब 1.2 माइनस बीटा जो है वो 0.85 से 0.95 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब बीटा माइनस वन Uh, जो टू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव तो बीटा की वैल्यू कहा से तो कहा आएगा बताओ बोलिए जीरो पॉइंट टू फाइव से जीरो पॉइंट थ्री फाइव जीरो है कोई ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन आ रहा है जब यही काम हम तीन सेट में करेंगे फॉर ए बी सी सेट और हमें पी ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हमें पी ए यूनियन बी यूनियन सी की मिनिमम वैल्यू निकालनी रहेगी सही है ना तो क्या होगा जो तीनों का कॉमन एलिमेंट है वो उठा के अगर हम जीरो कर दें तो ये वैल्यू सम जो है वो सबसे छोटा आ जाएगा बोलो तो ऑब्वियसली तीनों में अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये सम उस केस में सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा मेरी बात सुनिए अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये भी सब जीरो हो जाएंगे बोलिए अगर तीनों में कुछ कुछ कॉमन है बट तीनों के आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो ये सबसे छोटा सम आएगा आप एकदम ध्यान रखिएगा अच्छा अगर

जो सबसे छोटी माइनस क्वांटिटी होगी उसको कैंसिल कर लेगी तब ये जो सम आएगा वो इन तीनों के सम के बराबर आ जाएगा और वो इससे क्या होगा ग्रेटर आ जाएगा तो वो उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा समझ गया कि नहीं अब बोलिए तो मिन के लिए आपको क्या करना है इसको जीरो कर देना है डन मैक्स के लिए हमें क्या करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू को मैक्स के लिए क्या करना है ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू को इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसके बराबर कर देना है जैसे बराबर रखेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी की मैक्स वैल्यू आ जाएगी जैसे ही इसको क्या करेंगे इसको जीरो रखेंगे तो इसकी मिन वैल्यू आ जाएगी अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ठीक है आपसे क्या कहा गया है कि तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है पी ए पी बी पी सी पी ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी और पी ए यूनियन बी यूनियन सी की रेंज आपको निकालनी है तो पहले तो पी ए यूनियन बी के हिसाब से हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे वही सेम लॉजिक लगा के कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी ये सारी वैल्यू रख देंगे तो सिक्स प्लस फोर टेन माइनस जीरो पॉइंट एट तो ये जीरो पॉइंट टू आ जाएगा अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा ना अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या ले लेते हैं जीरो जैसे आप जीरो लेंगे तो जीरो पॉइंट सिक्स पी ए पी बी पी सी पी ए यूनियन बी बी यूनियन सी सी यूनियन ए तो ये जीरो पॉइंट सेवन आ जाएगा मिनिमम अच्छा अगर हमें इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है तो p ए इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को इन तीनों में से जो सबसे छोटा है आप उसके बराबर कर देंगे जैसे आप उसके बराबर रखेंगे तो इसकी मैक्स वैल्यू आ जाएगी तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0.7 से 0.9 अब एग्जैक्ट आप समझ गए होंगे बोलो भाई मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बताओ अब एग्जैक्ट कहानी समझ में आ गई होगी बोलिए याद करो दो इवेंट है एक इवेंट है सम नाइन और एक इवेंट है सम इलेवन और आपसे पूछा गया है नाइदर सम नाइन नॉर सम इलेवन इसका मतलब क्या पूछा गया आपसे बताओ सर so, टोटल में से नाइन और इलेवन की प्रोबेबिलिटी हटा देंगे मतलब हम यानी कि हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो किस बात की निकालनी पहले तो ये बताओ ना सर ए डैश यूनियन बी डैश करके मतलब हमें ए बार यूनियन बी बार निकालना है ऐसा है yes, इसका मतलब हम क्या करें टोटल में से क्या माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऐसा सर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होना चाहिए नहीं नहीं वो तो फिर पूरे में डैश होगा ना तब ए डैश इंटरसेक्शन बी ऐसा होगा ये तो ए यूनियन बी का डैश पूछा है ना ना इधर ए और बी बोलो बात तो वही हो गई ना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यही तो होता है ए यूनियन बी का डैश मतलब टोटल ए यूनियन बी माइनस है ना यानी एटलीस्ट एंड एटलीस्ट बी माइनस कर दें अच्छा होगा क्या इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो आएगा क्योंकि कभी भी सम नाइन और इलेवन एक साथ तो नहीं आ सकता ना तो इसका टोटल में से क्या माइनस कर दो पी ए माइनस पी भी माइनस कर दो बोलो आप बताओ पी ए कितना होगा सम नाइन आना याद आया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बोलो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या कहते हो याद आ रहा है कि नहीं ये केस समझ में आते हैं कि नहीं जो मैं लिख रहा हूँ बताओ भाई yes, sir. तो अभी के हिसाब से अगर आप चलोगे तो सम नाइन आने के कितने केस बन सकते हैं कहाँ गया four, four. 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 तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई फोर बाई थर्टी सिक्स और सम इलेवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई टू बाई टू बाई थर्टी सिक्स तो इसका मतलब ये हो गया वन बाई नाइन और ये हो गया तो टोटल आंसर कितना हो गया एम आई करेक्ट और नॉट बताओ यस yes, सर तो इसी को सॉल्व करो आपका आंसर, बताओ, कितना देख लो आराम आंसर. कोई डाउट आ रहा ये टेबल देखा कितनी इंपॉर्टेंट है बताओ कुछ भी नहीं करना बस ये टेबल साइड में बनानी है खट से आपको सारे केसेस उठा के ले ले देखो क्या है दो डाइस थ्रो की गई और नंबर फाइव ऑलवेज ऑकर्स इन फर्स्ट डाई तो इसका मतलब अगर नंबर फाइव पहली वाली डाई पे आ रहा है तो इसका मतलब फाइव कॉमा वन फाइव कॉमा टू फाइव कॉमा थ्री फाइव कॉमा फोर फाइव कॉमा सिक्स सॉरी फाइव फाइव कॉमा एंड फाइव कॉमा सिक्स यही तो होगा yes, अच्छा इवेंट स्पेस क्या है इवेंट स्पेस है उसमें से वो लेना है जिसमें फेसेस का सम नाइन आ रहा हो तो सिर्फ एक केस पॉसिबल है बोलो यस yes, सर इसका मतलब वो वन हो गया तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक लाइन में आ गया प्रोबिलिटी कुछ, yes, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन बस पढ़ने में ही डेंजरस था करने में बिल्कुल डेंजरस नहीं था क्या बात हमें समझ में आई ये बताओ यस yes, सर कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो क्लियर हुआ सबको कि नहीं बताओ समझ में आया कि नहीं सेट थ्योरी का ये रूल इसमें सैंपल स्पेस ये कैसे बनाए दिखा सबको क्योंकि सैंपल स्पेस दो डाई थ्रो करने के बाद सैंपल स्पेस है जिसमें एक डाई में हमेशा फाइव मेंटेन होता है पहली वाली डाई में और उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें वन फाइव तो मेंटेन हो बट दोनों का सम नाइन हो तो ऐसा सिर्फ एक है इवेंट स्पेस बाई स्पेस खत्म क्वेश्चन हाँ या ना गुड अगला पढ़िए जरा देखें इसमें क्या दिमाग लगाते हो और ना और सबका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं पहला तो ये है कि अगर उसको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उस बात की प्रॉबर्टी मान लो वो प्रॉबर्टी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्ट पी ले लेते हैं टू बाई फाइव है तो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा उस बात की प्रॉबर्टी थ्री बाई फाइव डन है ये अच्छा अगर उसको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है सही ना प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इसको कह देते हैं तो उस बात की प्रॉबर्टी फोर बाई सेवन है तो सोचो अगर उसको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो उस बात की प्रॉबर्टी थ्री बाई सेवन होगी कि नहीं बोलो अच्छा एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है इसका मतलब ई e यूनियन PC जो है वो कितना दिया हुआ है टू बाई थ्री तो अब बताओ बोथ कॉन्ट्रैक्ट बोलो ई e इंटरसेक्शन PC हो गया कि नहीं तो पीई प्लस पी सी माइनस पीई इंटरसेक्शन सी ये बात समझ में आई सीधा सेट थ्योरी से बताओ अरे बोलो यार तो yes, इसमें क्या वन जीरो फाइव आएगा देखो बोलो भाई फोर्टी टू प्लस फोर्टी फाइव माइनस सेवनटी तो ये आंसर शायद आता है सेवन एट्टी सेवन सेवनटीन बाई वन जीरो फाइव पहला आंसर है देखो समझ गया कि नहीं सेकंड आओ नन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेकंड क्या कह रहा है नन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो इसका मतलब नन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ना ना तो one e मिले, e, e e मिले. तो मिले मिले ही इसका मतलब टोटल तो में से क्या माइनस कर दो एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है कि नहीं बताओ भाई तो वन में से टू बाई थ्री माइनस कर दो तो वन बाई थ्री बचेगा क्या ये बात समझ में आ गई बताओ वन में से कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए बोलो अरे हाँ है. तो वो टोटल माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा अच्छा एग्जैक्टली वन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बोलो एग्जैक्टली वन कॉन्ट्रेक्ट का मतलब ई e अगर मिल जाए तो प्लम्बिंग का ना मिले और अगर इलेक्ट्रिक वाला मिल जाए बोलो इलेक्ट्रिक वाला ना मिले तो प्लम्बिंग वाला मिल जाए यही तो मतलब हुआ इसका बताओ बोलिए याद है इसको आपने लिखना सीखा है पीई प्लस पी सी प्लम्बिंग माइनस टू टाइम्स ऑफ पी इंटरसेक्शन पीसी याद आ रहा है सबको कि नहीं याद आया सेट yes. थ्योरी yes. से आप इसको डायरेक्ट यही लिखते हैं याद आ रहा होगा सबको तो अब इसी को आप सीधा उठा के सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आएगा ये आंसर में पीई -E मतलब टू बाई फाइव पी सी मतलब थ्री बाई सेवन माइनस टू टाइम्स ऑफ टू बाई थ्री बोलो सही लिख रहा हूं क्या मैं अरे हाँ या ना टू बाई थ्री नहीं रखेंगे समझ रहे हो यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखेंगे और ये 17 वैल। आंसर करके बताओ। कर लेंगे वैसे सवाल बता दो चाहो तो हाँ वन जीरो माइनस करेंगे तो ये शायद फिफ्टी थ्री आता है देखो ये आ रहा है क्या देखो क्या कहा गया है कि जो ए की है मतलब ए बी है ना ईच इज टी सी ये टू एक्स है और पी सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स है यही तो है और आपसे कहा गया है कि ए बी सी इन अ स्विमिंग रेस ऐसा आपसे कहा गया है ना हाँ और तीनों में से मतलब तीनों उस सैंपल स्पेस के अंदर है और कोई भी जो है उस रेस में एक विनिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा है तो तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड तो है ना कि PA, PB और PC का जो है, वो वन बाई थ्री आ जाएगा ये समझे कि वन क्यों होगा मतलब अगर ये इवेंट स्पेस है तो या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या सी जीतेगा क्योंकि तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब ना तो तीनों में कुछ कॉमन है ना दो में कुछ कॉमन है ये बात समझ गए कि नहीं बताओ अब तो क्वेश्चन तो दो लाइन में हो गया ना सी की वैल्यू क्यों? तो सीधा ही जीरो हो गई ना क्योंकि कोई भी विनिंग मतलब बी और सी एक साथ विन कर ही नहीं सकते तो बस पी बी और पीसी आप एक साथ ऐड कर दीजिए क्या बोलते हो तुम लोग बोलो <coughs> अरे हाँ या ना अरे नहीं ये गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर टू एक्स टू एक्स से शायद फाइव एक्स हो जाता है ना अरे हाँ टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स तो ये वन बाई फाइव आता है बोलो तो पी वी की पॉसिबिलिटी टू बाई फाइव हो गई और PC की पॉसिबिलिटी वन बाई फाइव हो गई तो आंसर थ्री बाई फाइव आ गया कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ

प्रॉबलिटी एज्यूम करेंगे वहां से एक्स आएगा और यही आप वैल्यू के यहाँ रख देंगे तो आपको मिल जाएगा Logic मेरे हिसाब से clear हुआ देखिए करना क्या क्या था question में भाई जिन्होंने निकाला होगा समझ गए होंगे है 25 city, जो है जो न्यूज पेपर ए रीड करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं न्यूज पेपर रीड करने की बोलू तो वो शायद आ रही है क्या बोलते हो बोलो और बी न्यूज पेपर रीड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है या परसेंटेज में रहने दो चलो वन बाई फाइव और ए और बी दोनों रीड करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है एट बाई हंड्रेड बोलो भाई अब कह रहा है कि थर्टी परसेंट ऑफ दोज ए नॉट बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीड ए नॉट बी कितना हो गया ए में से एट बाई हंड्रेड माइनस कर दो अच्छा फिर हु रीड बी नॉट ए तो इसका मतलब ए बी हु नॉट ए तो वन बाई फाइव में से एट बाई हंड्रेड माइनस कर दो भोग अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वट दी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रीड एडवर्टीजमेंट तो यानी कि पॉपुलेशन रीड एडवर्टीजमेंट मेरी बात समझ रहे हो गे वो क्या है रीड ए नॉट बी उसका थर्टी परसेंट तो ये हुए किसका बोलो बताइए माइनस एट बाई हंड्रेड का बोलो प्लस फोर्टी परसेंट किसका हु इसका फोर्टी परसेंट बोलिए भाई समझ रहे हो कि नहीं ये बात yes, और लास्ट वाला क्या है फिफ्टी परसेंट किस बात का जो दोनों रीड कर रहे हैं यानी कि किसेंट किस बात का जो दोनों रीड कर रहे हैं मतलब एट बाई हंड्रेड इसी को मेरे हिसाब से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर शायद थर्टीन पॉइंट नाइन परसेंटेज आया होगा देखो जरा यही आ रहा ना समझ गए कि नहीं तरीका A रीड करते हैं B रीड नहीं करते हैं उसका 30% लेना है एडवर्टाइजमेंट उसके उस उस पॉपुलेशन का 30% पड़ता है 40% जो एडवर्टाइजमेंट uh, रीड करता है वो उस वो है जो B रीड करते हैं मगर A रीड नहीं करते और A और B जो दोनों रीड करते हैं उसमें जो पॉपुलेशन एडवर्टाइज रीड करने वाली है वो 50% है तो इसका 50% ले लेना है और इन्हीं तीनों को ऐड कर देना है तो पॉपुलेशन का वो परसेंटेज आ जाएगा जो न्यूज़पेपर रीड करता है देखिए पूरी सेट थ्योरी इसमें यूज हो गई कि नहीं दो सेट से रिलेटेड बोलो आपसे ये भी कैलकुलेट करा लिया ये भी कैलकुलेट करा लिया हाँ या ना यस yes, सर भाई इक्वली लाइकली है जैसे किसी में लिखा है ना ये इवेंट इक्वली लाइकली तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो मोटी बात इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हो गया बोलो

Equally लाइकली इवेंट मैं समझ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा बस ये समझ लो दो इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी सेम है तो वो इक्वली लाइकली इवेंट है ध्यान रखिएगा दोनों इवेंट का इवेंट स्पेस सेम होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं मतलब एन ए और बी बराबर होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बट दोनों इवेंट के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी मतलब एक का ऑकरेंस दूसरे के ऑकरेंस से ज्यादा या कम नहीं होगा दोनों का ऑकरेंस सेम होगा जैसे मान लो कि हम एक तो, 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 डाइस है है। थ्रो करें तो कोई भी नंबर आना वन बाई सिक्स इक्वली लाइकली है या नहीं है हम एक डाइस थ्रो करें इवन या ऑड आए वो इक्वली लाइकली है कि नहीं बोलो डाइज में इवेन या ऑड आए इक्वली लाइकली है बोलो क्विंट टॉस करो हेड या टेल आए इक्वली लाइकली है या नहीं डाइज थ्रो करो कोई भी नंबर आए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वली लाइकली है या नहीं है बोलो अरे हाँ या ना बोलिए आपने डाइस थ्रो किया बोलो अगर सम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व आए तो सम ये आना इक्वली लाइकली है सम थ्री और इलेवन आना इक्वली लाइकली है बोलो सम फोर और टेन आना इक्वली लाइकली है सम फाइव और नाइन आना इक्वली लाइकली है सम सिक्स और एट आना ये इक्वली क्यों क्योंकि इन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेम तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो दो इवेंट इवन ए टू सेट टू बी डिस्ट इवेंट व्हेन देर इज नो कॉमन एलिमेंट वही डिस्ज्वाइंट सेट के हिसाब से तो यानी कि अगर ए और बी डिस्ज्वाइंट इवेंट हैं, डिस्ज्वाइंट इवेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो होगा बोलो तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो आ जा रही है तो हम ये कह सकते हैं ए और बी डिज्वट इवेंट है मतलब उनके सैंपल स्पेस में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब ए का ऑकरेंस बी के ऑकरेंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा ए का ऑकरेंस और बी के ऑकरेंस में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं आ रहा है ए का ऑकरेंस अलग हो रहा है बी का ऑकरेंस अलग हो रहा है यानी वो दोनों कैसे है डिसज्वाइंट इवेंट मतलब एक का होना दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा सॉरी डाइस थ्रो करो इवन एंड ऑड आए बोलो ये डिसजॉइंट है या नहीं है बोलो अरे हाँ या ना इवेन या ऑड आए डिसजॉइंट है कि नहीं बोलो भाई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं अ सेट ऑफ इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ देख प्रलूड ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ अदर इवेंट जैसे अगर हम एक पेयर ऑफ डाइस को टॉस करें मतलब एक पेयर ऑफ डाइस इज टॉस द इवेंट ऑफ सम ऑफ फोर ऑकर्स अ सम ऑफ टेन ऑकर्स अ सम ऑफ ट्वेल्व ऑकर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ गए यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं टू इवेंट सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे कांट ऑकर साइमल्टेनियसली मतलब एक का ऑकर होना दूसरे के ऑकर होने को इफेक्ट ना करे मेरी बात समझ में आ रही है तो मेन जो चीज आपको नोटिस ध्यान रखनी है वो ये है कि सेट ऑफ इवेंट ए वन ए टू एन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब आपको उनके उनके मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं मतलब एक का सैंपल स्पेस जैसे आपने ये एग्जांपल पढ़ा ना देखा अगर आप एक पेयर ऑफ कॉइन टॉस करते हैं तो सम फोर आए अलग सैंपल स्पेस सम टेन आए अलग सैंपल स्पेस सम ट्वेल्व आए अलग तो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी टू इवेंट बोलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब वो डिसज्वाइंट हो बोलो क्या ये मोटी बात मेरी समझ में आए वेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट बोलो भाई मतलब ए और बी के साइमल्टेनियसली ऑकर होने की कोई चांस हो ही ना तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो यूनियन बी होता है वो हमेशा पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है फॉर एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो सबको बोलो बोलो अरे हाँ या ना बोलिए जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आ, एक क्वाइन क्वाइन छोड़ो डाइस को ही थ्रो करूं और सम सम की तो बात अभी मैंने कर ली इवन आए या ऑड आए तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ऑब्वियसली इवन आना ऑड आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं बताओ बोलो मेरी बात समझ गए कि नहीं ये बताओ कोई डाउट हो तो बोलो मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं मेन बात समझ में आई कि नहीं आई जब वो डिसजॉइंट इवेंट होते हैं मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो यानी अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए यूनियन बी क्या होगा बोलो ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए यूनियन बी क्या होगा बोलो पी बी प्लस पीसी तो जरा कॉमन सेंस से बताओ कि अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ध्यान देना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ना दो में कुछ कॉमन होगा ना तीन में जब दो ही में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है

अब इसको मैं आपको समझाता हूं मतलब एक सैंपल स्पेस में इवेंट हुए तो ऐसा हो कि सारे इवेंट को अगर आप ऐड कर दो तो वो पूरा सैंपल स्पेस बन जाए तो वो जो इवेंट ए बी सी डी होते हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं मतलब वो इवेंट ए बी सी डी मिलकर पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर ले मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलिए वो जो पूरे इवेंट है वो मिलकर किसको कवर कर ले उस सैंपल स्पेस को कवर कर ले तो वो इवेंट जो होते हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं मेरी बात समझ गए कि नहीं बोलिए जैसे इन्होंने सेट ऑफ इवेंट सेट टू बी एग्जॉस्टिव इफ दी परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब आपने उस सैंपल स्पेस में रैंडम एक्सपेरिमेंट किए मतलब अलग अलग इवेंट किए तो उनका जो ऑक्रेंस है वो एटलीस्ट वन ऑफ देम हो मतलब उस सैंपल स्पेस में कम से कम एक इवेंट ऐसा हो रहा हो जो सैंपल स्पेस का इवेंट हो और सारे इवेंट ऐड कर दो तो वो टोटल आपको क्या मिल जाए बोलो टोटल जो है वो सारी प्रोबेबिलिटी का सब वन आ जाए मतलब अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी आर एग्जास्टिव इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बोलो ये हमेशा क्या होना चाहिए One. नहीं समझ रहे मेरी बात बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमेशा क्या होना चाहिए one. बोलो समझ गए इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ऑल सैंपल पॉइंट पुट टूगेदर ए यूनियन बी यूनियन सी तो वो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए समझ गए मतलब ये अगर एग्जस्टिव इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी मतलब अगर एबीसी सी पूरे सैम्पल स्पेस को कवर करें क्लियर है जैसे कंसीडर पैक ऑफ कार्ड्स है, एक इवेंट है आपने एक कार्ड निकाला हार्ट का एक कार्ड डायमंड का एक कार्ड क्लब का एक कार्ड स्पेट का ठीक है बोलो तो ये चारों जो है क्या होंगे एक जास्ती इवेंट होंगे कि नहीं सोचो बोलो ये चारों जो है वो क्या होंगे बोलो चारों का सैंपल yeah, स्पेस Ten... का सम टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाएगा कि नहीं अगर आप हार्ट का सैंपल स्पेस लिखोगे तो सारे हार्ट के कार्ड आ जाएंगे डायमंड का सैंपल स्पेस सारे डायमंड के कार्ड क्लब सारे क्लब के कार्ड स्पेट सारे स्पेट के कार्ड तो टोटल जो तो सैंपल स्पेस होगा टोटल जो तो सैंपल स्पेस बनेगा वो तो पूरा कवर कर लेगा कि नहीं बताओ जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेंट टॉस करूं देखना फिर से इवेंट आया एक इवेंट ऑर्ड आया दूसरा इवेंट तो क्या ये दोनों इवेंट मिलाकर एग्जॉल इवेंट होंगे कि नहीं ऑब्वियसली कॉइन टॉस करोगे तो नंबर इवन आएगा या और आएगा दोनों इवेंट अगर आप क्लब करोगे तो पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लेगा कि नहीं बोलो तो ये प्रॉब्लिटी yes, वन आ जाएगी तो यानी कि ए बी सी मोटी बात समझो ए बी सी इवेंट कब होंगे जब उनकी एटलीस्ट किसी एक के ऑकर मतलब टोटल पी ए यूनियन बी यूनियन सी हमेशा क्या होगा वन मेरी बात समझ गए कि नहीं abc एग्जॉस्टिव इवेंट कब होंगे जब a यूनियन b यूनियन c का सम क्या आ जाएगा 1 कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ समझ गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कुछ भी कॉमन ना हो एग्जॉस्टिव का मतलब तीनों का अगर आप तीनों के इवेंट स्पेस को रख दो तो पूरा सैंपल स्पेस कवर होना चाहिए मतलब मुद्दे मतलब की बात ऐसे समझो कि ये है एक बॉक्स का मतलब सैंपल स्पेस है तो इसमें ए बी सी ऐसे औकर होने चाहिए समझ रहे हो कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कुछ कॉमन चल रहा हो वो सब चीजें अपनी जगह हैं, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता कॉमन भी हो सकता है मतलब ये ए हो गया सही है ना ये बी हो गया और ये सी हो गया ऐसा भी हो सकता है ये वाला ए स्पेस हो गया और अगर आप ये देखो तो ये बी वाला स्पेस हो गया सही है ना और अगर आप ये देखो ये c वाला स्पेस हो गया ऐसे तो भी पूरा बस ये है कि पूरा सैंपल स्पेस s कवर हो जाना चाहिए बोलो भाई समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात गुड इंडिपेंडेंट इवेंट पे आते हैं हम किसी भी दो इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहते हैं अच्छा ये सब टू इवेंट सेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट इंपैक्ट ऑफ सेकंड मतलब एक का इंपैक्ट दूसरे के इंपैक्ट को Uh, क्या करे मतलब uh, uh, फर्क ना डाले तो वो क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं ना इससे बेटर डेफिनेशन है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं अगर पी एनियन बी पी ए की बात है समझ रहे हो दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट है यानी उनका ऑकरेंस डिपेंड करता है बट याद रखिएगा ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट वेन पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी ये मेन डेफिनीशन है दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं अगर ए यूनियन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर हो तो सोचो तीन इवेंट ए बी सी इंडिपेंडेंट कब होंगे जब पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी मेरी बात समझ रहे हो बस यही ध्यान रखिएगा इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दू आपने एक क्वॉइट टॉस किया है? बोलो अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे कि ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ वन नॉट इफेक्ट ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ इवन ऑन ऑड ऑन के ऑकरेंस को डिस्टर्ब नहीं करता ऑड आना इवन आने के ऑकरेंस को डिस्टर्ब नहीं करता बट ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है क्यों नहीं है बताओ जरा क्योंकि अगर आप पी ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो जीरो आ जाएगा क्यों क्योंकि ये म्यूचुअली क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है वो ए और बी कैसे नहीं है बोलो इंडिपेंडेंट इवेंट ध्यान रखिएगा ये छोटी सी बात कई बार हम बुक में इस स्टेटमेंट को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं बोलो भाई तो इस इवेंट इस इस डेफिनेशन को ध्यान ही मत दीजिएगा दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं जब उनके ए यूनि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के बराबर हो बस ये बात ध्यान रखिएगा तो ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जाम्पल नहीं है क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बोलो बोलिए yes, तो sir. दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे जब ए इंटरसेक्शन बी पी ए टू पी बी के बराबर होगा बस ये मेन बात है जिसको आपको ध्यान रखना है सही है अब आइए कुछ पॉइंट्स हैं अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं ठीक है sir, तो हाँ बेटा बोलो सर अगर कोई भी इवेंट एक्सक्लूसिव नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपने ये कहा कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो नहीं है तो जो पी इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं है तो इससे ये कहा आ गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पीबी है ये बताओ ये कैसे आप कह सकते हो कोई चीज जीरो नहीं है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पीए प्लस पीबी माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर है हाँ या ना यस yes, सर तो ये भाई ये कहा से पी ए इंटू पी बी के बराबर आ गया ये बताओ आया गया yes, sir. नहीं आया ना समझ गए मेरी बात तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है हर चीज अपनी अपनी जगह अलग अलग है इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब ए ए ए ए ए पी 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 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी होना चाहिए तो अगर मैं तीन इवेंट सी ले लूं और कहूं कि ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होना चाहिए पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं अभी यह स्टेटमेंट मैं आपको यहां दूंगा कि इवन इटू e e सब इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब P E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 E इंटरसेक्शन EN P E1 P E2 P EN के बराबर सबके प्रोडक्ट के, के बराबर होना चाहिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये ऑकरेंस वाली चीज एकदम दिमाग में मत रखिएगा वरना आप इसको इंडिपेंडेंट बोलना शुरू कर देंगे जबकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जाम्पल नहीं है ओके चलो अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है बेटा तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं मतलब अगर पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी है तो पी वो भी पी बी इंटू पी बी डैश के बराबर होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए डैश इंटू पी बी के बराबर होता, होता है और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो भी पी ए डैश इंटू पी बी डैश के बराबर होता है ये ध्यान रखिएगा जितने इवेंट है ना ए एस बी डैश अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ये सारे इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं सब मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ बोलो हाँ देखो ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो वो इंडिपेंडेंट होंगे आप ऐसा नहीं कह सकते बोलो तुम्हारी बात आ गई ना जो तुम पूछना चाह रहे थे बताओ यस yes, सर वो बात आ गई ना यहाँ पे समझ गया कि नहीं बोलो मतलब ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट तो मैं कह सकता हूं कि जो पी ए यूनियन बी होगा वो पी ए प्लस पी बी माइनस PA PB के बराबर होगा क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बोलो <laughs> क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ अरे हाँ या ना आप सोचो मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी डैस आप क्या लिखते हो ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हो अब ध्यान से देखना जरा ए में से हम माइनस कर दे रहे किसको पीए इंटू पी बी को यही तो कर रहे हो बोलो यस yes, सर तो इसमें से क्या कॉमन आ गया पी और अंदर क्या बचा वन माइनस पी बी तो ये क्या पी ए इंटू पी बी डैश बन गया कि नहीं बोलो ऐसे ही सारे रिजल्ट प्रूव हो जाएंगे जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं कर लेंगे है सारे कि नहीं सर तो अब आपको ये डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया कि नहीं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं एक्जास्टिव इवेंट क्या होते हैं पूरा सेट कवर करते हुए क्या 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 होते 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 हैं और equally likely event क्या होते हैं हैं और और तो तो जैसा example आएगा उसके हिसाब से आप वो का result उठा लेंगे कोई confusion हो तो बताओ बोलिए आगे बढ़े गुड चलो अब जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये देखिए तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सास्टिव इवेंट है ओके बोलो और थ्री पीसी है तो पीए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वेश्चन समझे कि नहीं तो पहली लाइन में कहा गया कि तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो है तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होगा और एग्जास्टिव है तो ये सम वन के बराबर होगा अब अगर मैं आपसे कहूं कि PA जो है वो एक्स है तो पीबी कितना है X और PC कितना एक्स बाई थ्री तो इसका मतलब X X 2 X 3, 1 होगा कि नहीं हाँ या ना यस yes, तो इसका मतलब अगर हम एक्स कॉमन करें और सिक्स एल्शियम लें तो सिक्स प्लस फाइव वन तो एक्स की वैल्यू क्या सिक्स बाई इलेवन आ रही है देखो यस सर ये उठा के रख दो हमसे किसकी प्रॉबर्टी पूछी बाई इलेवन देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ बोलिए भाई अब हमसे कहीं भी किसी भी प्रोबेबिलिटी को यूज कराएगा एबीसी को तो हमारा हम आराम से यूज कर लेंगे तो ये समझ में आया ना ये हुआ किसकी वजह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ कॉमन नहीं एक्टली मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी वन के बराबर बस इस रिजल्ट को आपने उठा के लगा दिए बोलो हाँ या ना तो अब आप याद ध्यान रखिएगा मतलब हमको एक स्टेटमेंट मिल गया कि ए बी सी आर म्यूचुअली मतलब इस क्वेश्चन में यह सीखने वाला था एक्सक्लूसिव एंड इवेंट तो इसका मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी का सम हमेशा क्या होगा वन क्या ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं मुद्दे की बात समझाओ समझ रहे हो सब लोग कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो अरे हाँ या ना बताओ भाई कोई डाउट या कंफ्यूजन बन रहा हो तो बताइए जल्दी से बोलो यार नहीं करो यार ऐसा नहीं करो ना ये तो श्योर हो गया कि पी ए और पी बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है Sir. तो आप कह रहा है कि अगर ए इवेंट आप देखो तो ए बीट्स बी एग्जेक्टली मतलब दोनों अगर हैं तो दोनों की विनिंग प्रोबेबिलिटी सेम होगी ना वान लेते हैं एक्स है बोलो भाई yes, आ, उन्हें इक्वली है है तो विनिंग है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी लूज वाली प्रोबेबिलिटी भी कुछ भी मान सकते हो आप तो वो दोनों सेम है मतलब विनिंग की प्रोबेबिलिटी भी सेम है और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी भी सेम है तो मतलब हाफ मान लेते हैं ऐसा चलो मान लेंगे दोनों हाँ अब क्या कह रहा है कि बी बीट्स एक्जेक्टली थ्री आउट ऑफ फोर गेम्स मतलब चार में से कोई भी तीन गेम सेलेक्ट कर लो उसमें से बी क्या करता है विन करता और है।, है और हार जाता है। और ए क्या करता है, है? पांच में से आठ गेम एग्जैक्टली exactly आठ गेम है बोलो भाई yes, आठ में से हाँ। पांच। हम्म यही तो है देख लो yes, sir. तो एग्जैक्टली exactly आठ गेम जो है वो क्या करता है फाइव गेम्स आउट ऑफ एट तो ये तो ये क्या नाम बी ज्यादा हो गया है तो आप पांच में से आठ गेम ले लो वन बाई टू की पावर कितना आएगा वन बाई टू की पावर थ्री तो so, दोनों में से जो ग्रेटर होगा वही पोर्टेबल हो जाएगा मोर पोर्टेबल का मतलब समझ गया ना मोर पोर्टेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा Yes, sir. More... Sir, mm. कैसे क्यों? और 8C5 यार और ये तो वही रहा था, <laughs> तो, था लिख गलत गया मोर प्रोबेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या ज्यादा हो तो उसमें गेम सेलेक्ट क्यों किए जब प्रोबेबिलिटी इक्वल है जीतने और हारने की ना ना देखो पहला वो लॉस कर जाए विन 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 लॉस विन विन है कि नहीं विन विन लॉस विन अच्छा सर ठीक 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 विन 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 लॉस तो तो सिचुएशन बनानी पड़ेगी ना अलग अलग चार में से वो किस सिचुएशन में क्या कर रहा है वो तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना टोटल चार केस हो जाएंगे नहीं Yes, तो अलग अलग पॉसिबल यही सेम यहाँ इसीलिए तो वो चीज काउंट करनी पड़ेगी ना पहले बोलिए कि नहीं पहला सवाल ABC जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं सर एबीसी टॉस अ कॉइन ये सारे इवेंट आपके लिए आपस में इंडिपेंडेंट है कि नहीं सर yes, क्योंकि किसी का कोई लेना देना आपस में है ही नहीं ना ए टॉस करे बी टॉस करे क्या फर्क पड़ता है बोलो है कि नहीं मतलब आपस में ये इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है अब बताओ अगर ए जो है वो विन करता है तो प्रोबेबिलिटी हाफ होगी ए अगर लूज करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाफ ऐसे ही बी विन करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी क्योंकि अगर हेड आया बी लॉस करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी ए सी अगर विन करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ हाफ अगर हेड आया तो और ऐसे ही सी लूज करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाफ ये बात यहाँ तक सबको समझ में आई बताओ अब गेम शुरू हुआ तो हम ए के ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं डन है बोलो तो भाई पहली बार ए ने टॉस किया और जीत गया हेड आ गया खत्म हो गया गेम वहीं पे अच्छा ए ने टॉस किया और हेड नहीं आया फिर बी ने टॉस किया अच्छा बी को जीतना नहीं है तो ऑब्वियसली हेड नहीं आएगा लॉस करेगा सी भी लॉस करेगा और फिर ए जीतेगा ऐसे ही वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू फिर वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू इंटू वन बाई टू एंड सोन ये जीपी चलेगी कि नहीं देख लो ये yes, तो वन बाई टू अपॉन वन माइनस वन बाई एट ये पहला आंसर हुआ कि नहीं बोलो बोलिए भाई अच्छा अगर बी को विन करना है तो यानी बी का हेड आना चाहिए तो अब बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सोचो ए हारे नहीं नहीं हार जाए और फिर B win भी करे भी भी। फिर ए हार जाए बी भी हार जाए फिर सी भी हार जाए फिर ए हार भी जाए भी और बी विन करे एंड सो ऑन तो अब क्या होगा वन बाई फोर वन माइनस वन बाई एट सी के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए ए ए जाए, जाए जाए, 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 जाए बी 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 और और सी सी विन कर भी फिर आपस में सबका टॉस करना इंडिपेंडेंट था तो क्या ये इनफाइनाइट अच्छा इवेंट लगातार ऐसी ऑर्डर में चलता चला जा रहा है तो आपको विनिंग पॉसिबिलिटी बतानी है बोलिए Sorry. अब इसी में एक कह देता कि ये ऑर्डर नहीं देता और कह देता कि ऐसे टॉस कर रहे हैं जो पहले टॉस में लिहाट ले आएगा वो वो गेम जीत जाएगा टॉस टॉस जो है 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 बी बी स्टार्ट करता है. तो अगर बी स्टार्ट करता करता तो तो अब अगर सब कुछ बी से स्टार्ट होगा और फिर ए के विन होने की पॉसिबिलिटी आपसे पूछी गई होती तो अब जो टॉस अगर बी से स्टार्ट करना है तो ए के विन होना है तो पहले बी करेगा और ऑर्डर यही फॉलो करना है तो पहले बी करेगा फिर सी करेगा फिर ए करेगा तो बी और सी जब हारेंगे तभी तो ये जीत पाएगा yes. बोलो तो उसके हिसाब से आप वो चीज जाएंगे बोलिए डन। अगला क्वेश्चन देखो जरा ये भी अच्छा। बोलो। ने थ्रो किया सिक्स नहीं किया तो गया बी का शुरू बी ने सिक्स फाइव थ्रो किया तो रुकेगा गेम नहीं किया तो फिर ए ए ने सिक्स फाइव फोर थ्रो किया रुकेगा गेम नहीं तो फिर बी बी ने सिक्स फाइव फोर तो फिर रुकेगा नहीं तो फिर ए एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा डन तो अब यहां से ये वाली प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स हो गई ये फाइव बाई सिक्स हो गई ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई टू बाई सिक्स ये कितना हो गया फोर बाई शिक्स. ये हो गई प्रोबेबिलिटी थ्री बाई सिक्स बोलो ये, ये भी थ्री बाई सिक्स हो गई ये हो गई फोर बाई सिक्स ये हो गई टू बाई सिक्स नहीं समझे yes, ये हो गई फाइव बाई सिक्स ये हो गई वन बाई सिक्स और ये तो वन हो ही गई अब बताओ ए के विन होने के चांस क्या होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भाई पहली बार My में ए जीत जाए बात खत्म ए हार जाए बी भी हार six. जाए और फिर ए जीत जाए six. फिर ए हार जाए बोलो बोलिए फिर बी भी हार जाए फिर ए भी हार जाए क्या थ्री बाई सिक्स फिर बी भी हार जाए सिक्स फिर ए जीत पाए फाइव बाई बात खत्म प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ ए हार जाए फिर बी विन करे बोलो ए okay. हार जाए बी भी हार जाए फिर ए हार जाए और फिर बी विन करे। नहीं समझे या okay. फिर ए हार जाए बी भी हार जाए फिर ए हार जाए फिर B हार जाए फिर बी भी हार जाए फिर ए अगेन हार जाए और बी फिर आखिरी में तो विन करेगा ही। मेरे पूरे गेम को समझ पाए सब लोग कि नहीं क्या गेम हुआ पूरा बोलो सारी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने कब गेम कैसे आगे बढ़ रहा है वो लिख ली इसके बाद एक कब कब विन हो रहा है भाई पहला गेम ही जीत जाए अब अगर ए हारेगा तो बी को भी हारना पड़ेगा और फिर ए को जीतना पड़ेगा मेरी बात समझ रहे हो फिर ए हारे बी हारे ए हारे फिर बी हारे तब ए विन कर पाएगा ये चारों अगर हमें बी को विन करना है तो ए हारे बी विन कर जाए पहला केस खत्म ए हार जाए बी भी हार जाए समझ रहे हो कि नहीं फिर ए अगेन हार जाए फिर बी विन करे या फिर ए हार जाए बी हार जाए ए हार जाए बी हार जाए ए फिर से हारे और बी विन करें सबको ऐड कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा देख लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरा गेम क्या था सारी बाय स्टेप और सबका एक्सक्लूसिव इवेंट है किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है तो सारी प्रोबेबिलिटी आपस में आप मल्टीप्लाई करते चले सब इंडिपेंडेंट लेवल पे चल रहा है ना सब कुछ बोलो सब इवेंट आपस अच्छा। में इंडिपेंडेंट लेवल पे चल रहे हैं कि नहीं देखिए अगर आपने कोई भी इवेंट या एक्सपेरिमेंट किया और आपने कहा कि उसके जो फेवरेबल इवेंट के केसेस हैं वो एक्स हैं और नॉन फेवरेबल जो हैं वो वाई है।, है कि नहीं सही ना मतलब जितने तरीके से वो हो सकता है वो एक्स है जितने तरीके से वो नहीं हो सकता वो वाई है तो ऑर्ट्स इन फेवर की जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑर्ड्स इन फेवर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल बाई नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ क्या बल मतलब अनफेवरेबल मेरी बात समझ आ गई यानी अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड्स इन फेवर की बोलो तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस दैट इज ऑड्स इन फेवर मतलब फेवर ऊपर अनफेवर नीचे और दो ही तरह के सैंपल स्पेस हैं भाई सैंपल स्पेस में या तो फेवर होगा या फेवर नहीं होगा ये बात समझते हो कि नहीं सब लोग जैसे ये है ये इवेंट स्पेस है और ये इवेंट स्पेस नहीं है मतलब ये फेवरेबल स्पेस है बोलो और ये फेवरेबल स्पेस नहीं है तो दोनों का सम जो है वो टोटल सैंपल स्पेस बना कि नहीं बताओ बोलिए हा या ना तो ऑर्ट्स इन फेवर का मतलब

बस ये दो रिजल्ट आप दिमाग में रखिएगा तो जैसी जो प्रोबेबिलिटी दी हो उसके हिसाब से जो रिजल्ट आपको निकालना हो वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कर लेंगे कि नहीं बोलो अच्छा अब अगर आपको ये कहा गया है ये इंपॉर्टेंट है ऑर्ट्स इन फेवर एम बाई एन है सही है ऑर्ट्स इन फेवर एम बाई एन है तो इसका मतलब एम जो है वो क्या है बताओ फेवर एन जो है वो एन फेवर तो टोटल एम प्लस एन होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर की क्या होगी मतलब ऑक्रेंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? होगी एम प्लस एन एम अपॉन एम और नॉन ऑक्रेंस की क्या होगी n अपॉन एन प्लस वन यानी कि फेवर का मतलब m फेवरेबल केसेस n अनफेवरेबल केसेस तो टोटल एम प्लस एन केसेस तो ऑक्रेंस तो की प्रोबेबिलिटी m अपॉन एम प्लस एन होगी और नॉन ऑक्रेंस की n अपॉन एम प्लस एन होगी बस ये इंपॉर्टेंट है तो फेवर और अगेंस्ट में इतना ही है ऑड्स इन फेवर मतलब फेवर अपॉन अनफेवर ऑड्स इन अगेंस्ट मतलब अनफेवर अपॉन फेवर क्लियर है जिसकी बात की जा रही है उसको ऊपर रखना है बचे हुए को नीचे रखना है समझ रहे हो कि नहीं बस और अगेंस्ट में इसी रिजल्ट का आप यूज करते हैं इससे ज़्यादा का यूज़ नहीं करते चलिए जरा ये क्वेश्चन देखिए हाँ भाई देखो एक क्रिटिक रिव्यू एक बुक करता है आर्ट्स इन फेवर दिया है बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्ट्स इन फेवर ऑफ सी वन वो है फाइव बाई टू प्रोबलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ क्रिटिक सी टू फोर बाई थ्री प्रॉबलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर हम्म बोलो ऑफ क्रिटिक सी थ्री थ्री बाई फोर तो बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वन कितनी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वन डैश कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टू फेवर मतलब क्रिटिक फोर बाई सेवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टू डैश कितना होगा थ्री बाई सेवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी थ्री कितनी होगी थ्री बाई वेरी गुड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश कितना होगा फोर बाई सेवन फोर अब कह रहा है मेजोरिटी जो है वो उस बुक को फेवर करती है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मतलब जब आप क्रिटिक तीन क्रिटिक किसी बुक की बात कर रहे हैं है कि तो कम कम करें, तो करें बोलो कम से कम दो क्रिटिक फेवर में करेंगे या तीनों कर दे फेवर में तो बात चली जाएगी आया ना अच्छा किसी भी एक क्रिटिक का फेवर तो इंडिपेंडेंट है आपस में ये तो दिख ही रहा है सबको बोलो तो इसका मतलब मेजोरिटी इन फेवर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई बोलो मेजोरिटी इन फेवर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई बोलो पहले तो तीनों को करा दो पहले तो तीनों ने ही फेवर कर दिया चलो फिर कम से कम कोई दो तो कर C1, दे C2. मतलब दो पे करें सी थ्री नहीं नहीं सी सी टू करें ना 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 करें C3 ना करें C1, C2, C3 और C1, C2, C3. तीनों कर दें बट दो तो कम से कम करे ना अच्छा चूंकि सारे इवेंट इंडिपेंडेंट है बोलो तो, सीदे सीदे तो, तो मत्या तीनों मत्या का प्रोडक्ट होता चला जाएगा बस तो ये पहला फाइव बाई सेवन फोर बाई सेवन थ्री बाय सेवन प्लस प्लस फाइव बाई सेवन फोर बाई सेवन फोर बाई सेवन फिर फाइव बाई सेवन थ्री बाई सेवन थ्री बाई सेवन फिर टू बाई सेवन फोर बाई सेवन थ्री बाई सेवन तीनों को उठा के ऐड कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा क्या कहते हो तुम लोग समझ गए कि नहीं भाई क्या करना है बोलो ये ऑर्ट्स इन अगेंस्ट फेवर मेजोरिटी वाली चीज समझ में आई कम से कम दो को फेवर करना चाहिए तभी मेजोरिटी हो पाएगी तो या तो कम से कम दो फेवर करें। अच्छा सारे इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं क्योंकि एक क्रिटिक्स का व्यू दूसरे क्रिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। बोलो यार। नहीं, इस तो... की में क्या है ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिटिंग इन सेकेंड थ्री बाई टेन थ्री बाई टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिटिंग इन थर्ड टू बाई टेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिटिंग इन फोर्थ वन बाई टेन और आपसे कहा गया उस बात की प्रोबेबिलिटी लगाओ कि जो प्लेन है वो हिट हो जाए सही है ना तो इसका मतलब कम से कम एक में तो हिट हो ही जाए ना यस yes, सर तो अगर हम टोटल में से माइनस कर दें ठीक है किसमें किस से ना मतलब किसी में भी हिट ना हो सर मतलब नेवर हिट yes, समझ गए कि नहीं सर समझ गए मतलब आ, हाँ, मतलब क्या माइनस कर दें कि किसी भी इवेंट में वो हिट ही नहीं हो रहा है बोलो yes, तो इसका मतलब कम से कम एक में तो हिट हो ही रहा होगा ना बोलो भाई अब हम ऐसे करें एक में हिट हो फिर दो में हिट हो फिर तीन में हिट हो तो उसमें बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे टोटल में से माइनस कर दो वो तो ज्यादा हिट हो तो जाएगा बोलो तो ये टोटल वाला केस ध्यान रखिएगा हमेशा तो सिक्स बाई टेन सेवन बाई टेन एट बाई टेन और नाइन बाई टेन इसी को सॉल्व कर दीजिएगा प्लेन हिट होने की प्रॉब्लिटी निकल आई तो ये कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाला था कि टोटल में से क्या माइनस कर दो किसी में भी हिट ना हो रहा हो तो इसका मतलब प्लेन हिट होगा ही होगा डन तीन बार तो दो बार तो पहले फेल ही फेल हो जाए वो मतलब कम से कम मतलब एग्जैक्टली दो बार फेल हो जाए देखो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आप आराम से निकाल लोगे थर्टीन बाई फिफ्टी टू मतलब वन बाई फोर क्या कहते हो yes, तो स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई थ्री बाई फोर अच्छा एटलीस्ट थ्री ट्रायल में वो ये काम कर ले तो इसका मतलब क्या हो, exactly, तो हो जाए। इसका मतलब एग्जैक्टली टू फेल्स टू ट्रायल फेल्स बोलो यही तो बात हो गई ना क्योंकि अगर दो ट्रायल कम से कम फेल हो ही जाएंगे उसके बाद क्या हो रहा है नहीं पता तो कम से कम तीन ट्रायल तो उसको लगेंगे ही ना बोलो तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी पहला ट्रायल भी फेल हो जाए और दूसरा ट्रायल भी फेल हो जाए तो क्या नाइन बाई सिक्सटीन हो गया और एग्जैक्टली exactly थ्री ट्रायल लगेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ बोलो यानी कि पहले दो ट्रायल फेल हो जाए तीसरे 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 में बनी तीसरे में 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 जाएगा तीन है तो 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 बननी पड़ेगी ना तो by 4, by 4, by 4, answer by आ गया दोनों ये ये चीज़ में है, important बस ये था इसमें कि भाई कम कम से कम तीन ट्रायल चाहिए तो दो तो फेल होने चाहिए तभी तो तीसरा ट्रायल कम से कम मिलेगा ना और एग्जैक्टली exactly तीन चाहिए तो मतलब दो के बाद तीसरे में तो फिर उसको रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे तीसरे में रुकेगा जरूरी नहीं है अगर दो में फेल हो गया तो तीन ट्रायल तो लगाएगा ही कम से कम बोलो मतलब अगर पी ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो थ्री पी प्लस वन बाई थ्री है देखना पीवी की क्वालिटी वन माइनस पी बाई फोर है और सी की प्रोबेबिलिटी वन माइनस टू पी बाई टू है और ये तीनों पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका मतलब पी ए प्लस बी प्लस पी सी कितना होगा भाई One. ये बात समझ रहे हो कि नहीं मुद्दे की बात समझाओ नहीं 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 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब नहीं नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब ये नहीं होगा ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव so. है तो इसका मतलब पी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होगा हाँ हो और ये वैल्यू जो है वो हमेशा वन से जीरो के बीच में होगी कोई भी प्रोबेबिलिटी हो तो इसी के बीच में होगी ना अच्छा पीए प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो जीरो से वन के बीच में होगी कि नहीं पीवी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो वो जीरो से वन के बीच में होगी कि नहीं पीसी प्रोबेबिलिटी भी जीरो से वन के बीच में होगी तभी तो आप पी की वैल्यू निकाल पाएंगे और पी ए प्लस पी प्लस का सम भी किसके बीच में बीच जीरो से वन के बीच बस यही चारो इनक्वलिटी लगा दीजिए तो पहली सॉल्व कर दो कि थ्री पी प्लस वन बाई थ्री जीरो से वन होना चाहिए दूसरी सॉल्व कर दो कि वन माइनस पी बाई फोर जीरो से वन होना चाहिए तीसरी निक्वाल्टी सॉल्व कर दो कि वन माइनस टू पी बाई टू भी जीरो से वन होना चाहिए और चौथी सॉल्व कर दो क्या की थ्री पी प्लस वन बाई थ्री वन माइनस पी बाई फोर One और two भी two. भी से वन माइनस टू पी चाहिए और चारों को सॉल्व करके उसका क्या ले लो इंटरसेक्शन वहां से फाइंड तरीका समझे कि नहीं ये बताओ तो इसमें बस इस स्टेटमेंट का यूज था और ये स्टेटमेंट तो आपने पढ़ा है ना कि पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी जो है वो पी ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा तो इन तीनों का सम भी जीरो से वन के बीच में होगा होगा कि नहीं होगा ये बताओ बोलो हाँ या ना अच्छा इसी में अगर आपसे तीनों प्रोबेबिलिटी दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जास्टिव इवेंट है तो पी की वैल्यू क्या होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जास्टिव इवेंट तो आप तीनों का सम किसके बराबर कर देते बोलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ अगर एग्जास्टिव भी बोल देता तो आप तीनों का सम वन के बराबर कर देते कि नहीं बताओ यस सर यस सर क्या हम इसमें से तीनों इन चारों इन इक्वलिटी सॉल्व करके उसका कॉमन लेके पी निकाल लेंगे भाई बिल्कुल निकाल गुड चलिए